बैठ जा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बैठ जा, सिट. ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज हम अनबॉक्स करने वाले एक नए शूज, और जल्दी जल्दी भाई को ठंड लग रही बहुत तगड़ी. अबे यार तू थोड़ी देर बैठ ना, वेट, सिट. हाँ तो हाँ, ये मैंने शूज मंगवाए थे जिम के लिए, क्योंकि मैं हर रोज फ्लैट शूज पहनना था और वो खत्म हो चुके पूरे. और मुझे एक स्पोर्ट्स शूज भी चाहिए थे, क्योंकि थोड़ा सा वो कंफर्टेबल रहता है चलने के लिए. तो हाँ, वी हैव ऑर्डर दिस. दिस वाज अराउंड 900 रुपीस, और ये डीकैथलॉन से आए हैं, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से मंगवाए थे मैंने. तो मेरा फुट साइज 9.5 और 10, ये दोनों साइज मैंने बहुत पहने हैं. तो इसमें या तो 9.5 मिलता है या 10 मिलता है, या 10.5. तो फिर मैंने 9.5 ही मंगवाया, बट देखते हैं कैसे हैं. तो ये हैं दो शूज. आई फील लाइक लाइट वेट बहुत है, एंड दीज आर नाइस. अगर देखा जाए तो 900 रुपीज़ में सही है, हैवी नहीं है. एक तो मुझे हैवी शूज़ पहनने की बहुत ज़्यादा आदत है. दीज आर लाइट वेट और इनकी सोल कम्फी है. अब मैं इन्हें बेंच डेज पे पहन सकता हूँ, क्योंकि इतना कुछ लोड मुझे डालना नहीं, और फ्लैट शूज़ की नीड है नहीं बेंच पे. स्क्वाट डेड पे अब से मैं अपने वो पुराने वाले शूज़ कैरी करने वाला हूँ, जो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, बेयर फुट टाइप्स. वो मैंने बहुत पहले लिए थे शौक में, बट उन्हें मैं बिल्कुल ही हैवी डेज पे पहनता था पहले, और आजकल कॉन्वर्स थे तो मैं उन्हें पहनने लग गया था. सो उस पर हम वापस आने वाले हैं, और इन्हें मैं डेली पहन के जाया करूँगा, और बैग में उसे रख लिया करूँगा जब मुझे स्क्वाट डेड के लिए जरूरत होगी, उन्हें डाल दो. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और ऑब्वियसली 900 रुपये में दोनों ही आएंगे, एक तो देंगे नहीं वो, बट इन्होंने ऐसे बांध रखा ना, मुझसे खोला भी जाएगा. ये पहन के देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं है. अभी वो ट्राईपॉड सूंघ रहा डॉगी, उसे पता नहीं है क्या, वो चाह रहा है कि वह अंदर भगे. टेस्टिंग हो रही है कि भाई कुछ गलत चीज़ तो नहीं आ गई है घर पे, समझ रहे हो भाई. दिल्ली में इस बार बहुत तगड़ी ठंड पड़ी हुई है, अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, और इतनी तगड़ी ठंड है, क्या बताऊं भाई क्या हो रहा है ये. तो हाँ, अच्छे ये सुन, चेक करो सही है ना, ये कुछ है तो नहीं उठपटांग है, क्रेजी. ठीक है, तो हाँ पहन के देखते हैं भाई. न्यू शूज फ्रॉम पापा. अरे यार, ये थोड़े लेसेस टाइट हैं, इसके ऐसे नहीं घुसेंगे. एक सेकंड, अगर देखा जाए तो मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट फिट आ रहे हैं, हल्के से भी लूज नहीं है, पर टाइट भी नहीं है भाई. पहन सकते हैं, एक साइज अप अगर मैं करता हूँ वो बिल्कुल ही 1 इंच बड़ा हो जाएगा. तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए, ये तो घर वाले बताएंगे, मुझे समझ में नहीं आता, बट आई फील लाइक टाइट तो नहीं है इतने. हाँ ये है कि यहाँ तक पूरा अंगूठा आ रहा है. अब मैं क्या डिसीजन लूँ मुझे नहीं पता, बट शूज़ की क्वालिटी अच्छी है. सही है क्रेजी, ये सही है शूज़. ये ले, ये भी ले जा. हाँ इसे भी पहनते हैं. और आज का कैसा वर्कआउट है, मैं भी कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे भी नहीं पता. बेंच करनी है, ठीक है, मुझे अपने लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन पे वेटेड जाना है. अगर मेरी चेस्ट कम सोर फील होगी तो मैं डिप्स भी कर सकता हूँ. वैसे मेरा एक लेग डे है आज, बट मेरी हैमस्ट्रिंग पूरी सोर है, जिसे कहते हैं ना हद से ज़्यादा, जो कल डेडलिफ्ट करी है. तो आई एम काइंड कन्फ्यूज कि करूँ क्या. तो अभी तो ये शूज़ पहनते हैं. बाकी तुम्हें मैंने बता दिया, ये तीन चीज़ें तो मैं करूँगा ही करूँगा, हाइपर एक्सटेंशन, बेंच और डिप्स. डिप्स वो भी तब अगर मेरी चेस्ट ज़्यादा सोर नहीं है तो. तो हाँ शूज़ तो सही है, बाकी अब मैं घर वालों से पूछता हूँ कि इसे रखना चाहिए या रिटर्न करूँ. दिख अच्छे रहे हैं देखा जाए तो. हाँ आज मेरा पेपर था भाई, और मेरा एग्ज़ाम 10:00 था, मैं 9:50 पे घर से निकला हूँ, और 10 मिनट में मैं सेंटर पहुँच के एग्ज़ाम भी दिया आया. हाँ बाकी देखा जाए तो ओवरऑल आज मैंने बहुत कम कैलोरीज खाई हैं बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम. मैं सुबह सुबह उठते ही निकल गया था, बट रात के 4-5 बजे मैंने कार्ब्स खाए थे. मेरी जो हर बार के ब्रेकफास्ट मील होती है उसका मैंने ओट्स वाले खाए थे, और सुबह से ऐसे मैंने कुछ खाया नहीं है. तो मैं कुछ 2-3 बनाना खा के जिम निकलूँगा, और आज का बेंच वर्कआउट करेंगे. आई गेस 80 पे 8 से 4 रेप है, या 85 पे है. अभी प्रोग्राम देखूँगा और वही करेंगे, इतनी टेंशन में लेता नहीं है प्रोग्राम की. बाकी शूज़ आर फीलिंग गुड, अब देखते हैं हाउ दे आर और कैसे कैसे हैं.
मुझे क्या पता यार, ये शू रिव्यू का बस हम आदत डाल लें, देयर इज समथिंग कमिंग सून जो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा। तो हाँ, रिव्यू करने की आदत डाल रहे हैं। अभी मैं एक रिव्यू उसका भी करूँगा। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू मेक होम मेड प्री वर्कआउट, उसमें मैंने कैफीन मंगवाया था भाई। वो कैफीन को एक डेढ़ महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा कैफीन है। अगर वो 230-250 के अराउंड मिल रहा है और वो इतना तगड़ा कैफीन है तो क्यों ना उसको रिव्यू करें। मतलब ब्रांड अभी नई नई आई है और उन्होंने इतनी तगड़ी चीज़ दे रखी है कि मेरी नींद ख़राब हो जाती है। तो दैट इज़ समथिंग प्योर और ह्यूमन टेस्टेड। ठीक है, तुमसे मिलता हूँ मैं सीधा जिम में। अपना सारा सामान लेके आज जिम पहुंच तो गया था, बट भीड़ इतनी थी, वो भी 5:30-6 बजे के अराउंड। मुझे ऐसा लग रहा ठंड बढ़ रही है ना, तो जो लेट नाइट में आते हैं ना लोग, वो भी साला जल्दी जल्दी आने लग गए। 5:30-6 भी थोड़ी डिसेंट भीड़ रहती है, आज बहुत ज़्यादा थी। मैंने बेंच शुरू कर दी थी और मैंने 6 से 7 सेट कर लिए थे। फिर मुझे याद आया, अरे ट्राईपॉड भी नहीं रेडी कर रखा। फिर मैं सोचा अगर ये बेंच छोड़ूंगा तो मामला गायब सा हो जाएगा, तो मैंने आज वीडियो बनाई नहीं जिम में। बट मैंने आज बेंच के बाद सीधा रेयर डेल्ट्स करे हैं और मैं घर आ गया, कुछ ओवर ट्रेन नहीं करा। आई एम गोना मेक माई होल्स फिट अगेन, जिसको मैं ढंग से डिफाइन करूँगा हर एक बॉडी पार्ट के लिए, ताकि वो एक बढ़िया स्प्लिट रहा है जिसमें कोई भी मसल जो मैं चाहता हूँ अच्छे हो, डेवलप हो, वो अच्छे से ट्रेन हो पाए। तो वो सब बनाऊँगा और तुम्हें अगली वीडियो में दिखाऊँगा। बाकी शूज़ बढ़िया है भाई, मेरे को थोड़ी देर में जितना मैं यूज़ करने लगा ना वो ढीले होते गए, तो मुझे एकदम लाइट वेट है और क्वालिटी अच्छी है, मुझे सही लगे। बेंच में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे तो मुझे बेंच में फ्लैट शूज़ नहीं चाहिए, जो मुझे इजी टू वेयर और जिम पहुँचते ही आराम से मैं पहुँच जाऊँ, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, कंफर्टेबल अलग है, स्पोर्ट्स शूज़ है, रनिंग के लिए भी बढ़िया है। तो हाँ, ओवरऑल दे आर गुड शूज़। तुम अगर लेना चाहो तो डीकैथलॉन पे मिल जाते, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे अच्छी कुछ था नहीं, शूज़ अनबॉक्स करें तो शूज़ अनबॉक्सिंग की ही बना दूंगा। ठीक है, तो हाँ, तुमसे मिलता हूँ एक अच्छे लेग डे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।